तुम में से कौन कौन जरा केंद्र विद्यालय स्कूल से है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड माइंड यू, तुम जरा कमेंट सेक्शन जाके देखना, अगर जो भी एक्चुअली में केंद्र विद्यालय से है उसने कमेंट किया होगा ना, तो मिनिमम तुम्हें इस वीडियो पे 5000 कमेंट दिख जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ मिनिमम। एंड यस, आज हम जो एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाली है रिलेटेड टू वन एंड ओनली केंद्र विद्यालय स्कूल, क्योंकि हमारे आरजी बकेट लिस्ट भाई भी केंद्र विद्यालय स्कूल से ही थे अपेरेंटली। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरा जो स्कूल था ना उससे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 कदम पे था केंद्र विद्यालय स्कूल। मैं पता क्या कह रहा हूँ, इंडिया का ना यूनिवर्सल डिफॉल्ट स्कूल घोषित कर देना चाहिए केंद्र विद्यालय को। मैं जिस मोहल्ले में पहले रहता था, आधा मोहल्ला केंद्र विद्यालय से, मेरे आधे दोस्त केंद्र विद्यालय से, मेरे जो ऑनलाइन दोस्त मिले हैं उनमें से कुछ केंद्र विद्यालय से अपने शहर के, और अगर वो भी केंद्र विद्यालय से नहीं होंगे तो उनका एक ना एक दोस्त जरूर होगा जो केंद्र विद्यालय से होगा ही होगा। आई डोंट नो व्हाट इज अप, अब मेरे को फोन हो रहा है मैं क्यों नहीं था केंद्र विद्यालय से। ठीक है कोई बात नहीं, इस एनिमेशन के थ्रू ही देख लेंगे आज हम की केंद्र विद्यालय में व्हाट वाज अप। एंड यस ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट गोज टू हमारे प्यारे आरजे बकेट लिस्ट भाई। ऑल्सो एक सैड बात है, आई थिंक सो हमारे आरजे बकेट लिस्ट भाई के देखने लायक सिर्फ एक तो एनिमेशन कंटेंट ही बचे अब। एक तो भाई ने पिछले 10 महीने से कोई वीडियो भी नहीं डाली है। तो यस, मेरा यही बोलना था कि अगर तुम किसी ऐसे एनिमेशन क्रिएटर को देखते हो या तुम चाहते हो मैं देखूं तुम्हारे साथ तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओ हाँ वेट, क्या तुम्हें हार्टून्स के बारे में पता है? उसका भी एनिमेशन कंटेंट एकदम फाड़ हुआ है, बाय द वे ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो आई डोंट थिंक सो उसे प्रॉब्लम होगी अगर हम उसका कंटेंट साथ में देखेंगे। सो आई थिंक सो वी आर गुड, हमें मिल गया एनिमेशन कंटेंट देखने के लिए। बट यस, पहले आज देखते हैं केंद्र विद्यालय द एनिमेशन। एक्चुअली इसका टाइटल है केंद्र विद्यालय स्कैरी। आई थिंक सो दिस इज गोना बी गुड, लेट्स गो। ऑलराइडी, ओह वाओ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। टुडे द असेंबली इज हेल्ड बाय ब्रो इज डूइंग मंबल रैप, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड स्टार्ट द प्रेयर। बाय द वे मैं स्कूल बैंड में हुआ करता था, आई यूज्ड टू प्ले। भाई मैं भूल गया ब्रो, उसको क्या बोलते थे? ड्रम ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलते थे? ओह हेल नो, स्नेयर, आई यूज्ड टू प्ले स्नेयर, ठीक है। हाँ बच गया, हमारे वैसे ड्रम ही बोलते थे उसमें। एंड हम जब थोड़े बड़ी क्लासेस में चले गए थे ना तो काइंड ऑफ तुम कह सकते हो थोड़ा सा टौरा जम गया था स्कूल के अंदर। हम कुछ भी बीट बजाते थे, कुछ भी शादियों वाली धन तड़ धन तड़ धन, कुछ भी बजाते थे हम, कुछ भी रैंडम शादियों वाली बीट बजाते थे, धन तत धन तत धन धन तत धन। भाई यार वो तो शुगर हमारी टीचर्स काफी स्वीट ही करती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था हमें, लेकिन हम फिर वापस से नॉर्मल बीट पे आ जाते थे, वरना हमारी बीट बजा देनी थी पीटी वाली टीचर ने। भाई ये सीन देख के रिफ्रेश हो गया। ओके ये प्रेम तो नहीं थी हमारी। भाई तुम कितना अच्छा गा रहे हो। 2 hours later ओके तो बच्चों इसी के साथ हम अपना असेंबली खत्म कर। अब क्या? ओके तो बच्चों अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए। आपके ब्रो With all due respect, please, भाई देखो, please try to understand principal sir और principal ma'am. Week में एक बार, चलो 2 बार, बहुत हुआ। भाई daily daily नहीं। एक तो पता क्या है, जब principals बोलना चालू करते थे ना assembly में, वो रुकते ही नहीं थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार तो इतना ज़्यादा बोलने लगे थे, एक बार नहीं कई बार इतना ज़्यादा बोल देते थे कि 0 period तक हमें assembly में खड़ा रहना पड़ता था। I don't know इस बात से कितने लोग relate करेंगे, but ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरी आज ही स्कूल की जिंदगी यही हुआ है। मेरा 0 period जो मैंने सोचा था मैं बैठ के फ्रूट खाऊंगा उनमें, असेंबली में चला जाएगा भाई, क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम को 2 शब्द बोलने, प्लीज 2 शब्द बोलो, बस 2 निबंध मत बोलो अभी। एक तो डूड गर्मी में, ओह माय गॉड भाई, और गर्मी में तो ये चीज हमारे दुखों पे 4 चांद लगा देती थी। आई थिंक सो यहाँ पे भी यही होने वाला है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। यू आर गॉन गाइस। भाई कौवे की आवाज यार। एग्जैक्टली, ओह नो, बस सुनक के सारे। ओह नाइस, मैं बोलने वाला था नाइस शाइन ऑन द टकला। भाई डिटेलिंग काफी अच्छी है, गुड जॉब। देखो जहाँ तारीफ बनती है वहाँ तारीफ बनती है, नाइस। भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है, प्लीज भगवान मेरे को गंदा मत करना प्लीज। भाई कितना हार्ड सीन लग रहा है, लेकिन क्या प्रिंसिपल सर आ गए? अरे भाई साहब, मिस्टर बिलाल AKA हमारे KV का प्रिंसिपल और एक नंबर का नितम चेत, क्योंकि ऐसा भाई बंदे ने क्या प्रिसाइजली गाली दी है। तुम्हारे लिए इजी भी कर दिया कि तुम्हें गाली समझ में आ जाए, वो गूगल सर्च पे लगा दिया वहाँ पे, नाइस आई लाइक इट। मुझे पहले एक भी नहीं पता चला मैं किसको ही बोलता वैसे। और एक नंबर का नितम छेद, क्योंकि ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता ना यूट्यूब पे, बोल तो दोस्त।
हाँ वही तो, क्योंकि सुबह सुबह भरी धूप में बच्चों को दो घंटे तक खड़ा रखना जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज के जमाने का रणछोड़दास श्यामलदास चांचर हुआ करता था और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे। Exactly. And please मेरे को बताना जरा, until unless कोई एकदम ही नर्ड हो तुम में से, भाई, there was nothing interesting in the speech. I'm being really honest. ये जितने भी speeches होती थी ना principals के through, मैं कुछ भी यहाँ पे bad influence नहीं कर रहा हूँ, please, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे उन speeches में से आज तक कुछ याद नहीं है क्योंकि उनमें कुछ याद करने लायक यादगार था ही नहीं। आधी बातें तो सर के ऊपर से जाती थी क्योंकि एक जगह constantly देख देख के बेहोश होने की हालत हो जाती थी। एक तो इतने पिद्दू से भी लगते थे, कॉन्सेंट्रेट करने में आधा टाइम चला जाता था। क्या मतलब मैं स्मॉल बोल रहा हूँ प्रिंसिपल को? नहीं नहीं, हमारा प्रिंसिपल बटला नहीं था, बटली थी। नो बिक्स, यू आर वाइल्डिंग, स्टॉप। इन माय कॉलेज आई वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। ये सब बातें नहीं होती थी हमारे प्रिंसिपल के थ्रू। मुझे कुछ याद नहीं है प्रिंसिपल क्या बोलते थे। अरे मेहनत की वजह से। अच्छा, अगर तुम लोग भी मेरी, भाई ये मेहनत वाली मीम, उफ 2018 याद दिला दिया। तेरा मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। Oh no, okay, start ho gaya. Here we go. Why they used to continue? Exactly. बहुत ही भले किस्म के इंसान है भाई। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। दो बच्चे गिर गए मैम, 10 बच्चे गिर गए, मैम को परवाह नहीं है। बेटा खाना खा के आया करो, आप छोड़ोगे तभी तो मैं खाना खाने जाऊंगा। मेरे फ्रूट सड़ रहे हैं वहाँ पे, वो खराब हो जाएंगे, खाने दो। या हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है। अब अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो तब बात अलग है, क्योंकि हमारे क्लास, हाँ ब्रो हमारी क्लास में था एक, वो साल की फीस एक ही बार में दे देता था एंड हमें आगे बताता था मेरे को फीस नहीं देनी पड़ती, पता है क्यों? हमें लगता था कुछ होगा उसके, कुछ रिलेशन वगैरह होंगे फैकल्टी में या मैनेजमेंट में तो नहीं देने पड़ते होंगे। बड़ी खुशी से आगे हमें बोलता था मेरे पापा ने तो साल की फीस दे दी है। ठीक है भाई, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 4th-5th क्लास का बच्चा टू रिएक्ट ऑन दिस? है मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। वाओ एक साल की फीस दे दी, क्या बात कर रहा है, ले भाई मेरा डब्बा खा ले। तब बात अलग है क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज़ क्या यही हुई है, एक साल की फीस एक ही बारी में भर देता था। आई मीन आई डोंट नो, ये भी कोई फ्लेक्स कर। A few moments later. भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जितने भी एनिमेशन चैनल्स हैं ना, ये आधे स्क्रिप्ट मेरे से लिखवा के जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Bro, what the hell was this? मैं कसम खा रहा हूँ मैंने ये वीडियो आज तक नहीं देखी है। ओके आई थिंक सो, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज होगी, हर क्लास में होता होगा कोई ऐसा। लेकिन भाई एटलीस्ट तुम फ्लैक्स तो मत करो ना, तुम्हारे पापा के पैसे है वो, तुम्हारे थोड़ी ना, तूने थोड़ा कमाया है, चुप रहा है। नहीं तो चपड़ गंजू। नहीं नहीं गंजू को कुछ नहीं होगा, करने वाली चीज होती है क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था। अमन क्या ये, क्या टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें, इतना हंस क्यों रहा है, हाथ निकाल। सर आप मुझे नहीं मार सकता। अच्छा क्यों नहीं मार सकता, साल की फीस भरी है। मैंने पूरे साल की फीस भर दी है। तो एक काम कर जा, क्लास से बाहर खड़ा हो जा, जब क्लास से बाहर फीस लेके घर चला जा। भाई मैं होता ना टीचर, मैं कसम से मैं ऐसे बच्चों से इतनी प्यारी तरीके से डील करता ना, अगले दिन स्कूल आते ही नहीं, या तो ये सुधर जाते, इन दोनों में से एक चीज होती, फीस भर दी है। अच्छा टीचर स्टंट, तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी? हाँ। अच्छा हाँ सर पूरे साल की भर दी। व्हाट डू यू वांट हिम टू रिएक्ट? फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हाँ। अच्छा हाँ सर आप मुझे हाथ भी नहीं लगा ऐसा। ओह माय गॉड, सीजलिंग स्लैप्स। आई गेट इट, तेरा बाप अमीर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू एक साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो। कके तुसी तो बहुत भारी हो। कौन? Don't do that. वैसे यार मैं जब ऐसे स्कूल वाली चीजें देखता हूँ ना, और जिसमें ऐसे छोटी छोटी क्लासेस की बात हो रही होती है 4th, 5th, 6th, मेरे को मेरे पुराने दोस्तों की याद आ जाती है यार। कहाँ होंगे वो, क्या कर रहे होंगे, उन्हें याद भी होगा कोई ऐसे शिवम हुआ करता था। तो बहुत भारी हो, आराम से गिर जाऊंगा, नहीं तुम्हें खाना भी नहीं खाया मैंने आज। ओके ऑफ टॉपिक जाओ, वॉच टाइम मिलेगा। एनीवेज उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी, बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए, सेइंग कि मुझे क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है। ठीक है
एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा। ब्रो ये लाइन कहना की फीस है भाई। यार क्या हो रहा है रे, मेरी आधी जिंदगी इसने जी रखी है क्या आरजी बकेट लिस्ट ने? मेरे बैग के पॉकेट के अंदर एक बुक रखने वाली पॉकेट होती थी, उसके अंदर एक छोटी पॉकेट होती थी, उसके अंदर डाले जाते थे पैसे। मैं ऑफिस में जाके 15 मिनट तक पैसे ही निकालता था, फिर पकड़ा के बोलता भी था कि मैम फीस है, जैसे मैम को पता ही नहीं क्या दे रहा हूँ मैं दे देना और कहना कि फीस है। And me being 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है, आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी। भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी। भाई व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आरजी बकेट लिस्ट सुफिया ने टेस्ट करवाया यार, तू मेरा जुड़वा भाई तो नहीं है? ने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई लगती थी। डू दैट टू मी मॉम, हाउ कुड यू? अरे अच्छा, अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज छाप पाता। That's crazy. उस दिन सिर्फ 3 जीरोस देख। No, वीडियो में प्रमोशन आए, बिक्सु से बोले बाय बाय। Yes, here we go. But no idea कि फीस देना किसको है। मेरे सामने पियोन खड़ा था, तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ। But bro, your hole is in that big. Your nostril. Your nostril in that big. I'm sorry. मैं मुंह ही क्यों खोलता हूँ ऐसे मामलों में? For some reason मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गाँव भाग जाएगा। No, what? क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। भाई ऐसे करते थे लेकिन मैं देता नहीं था। जो बंटी बबली टिट्टू स्वीटू, टिट्टू स्वीटू हो गया रे, कम ऑन, ऐसा नहीं होता। उसे अपनी जॉब भी चाहिए भाई, जॉब प्यारी है उसे। अंडिल अनलेस तुम्हारी 3 महीने की फीस 30-40 हजार हो। नहीं यार फिर भी महीने की ज्यादा इनकम होगी 3 महीने की। हाँ ठीक है ठीक है। Now since मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया। बट देन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था, बट ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है। नहीं नहीं भाई तू मेरा जुड़वा नहीं है। व्हाट? ओके ठीक है, वो 8 साल के, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? प्रिंसिपल के ऑफिस में बोला था, ये नहीं बोला किसको देना है, क्या बात है। वैसे जेन्युइन क्वेश्चन, किसको है ये पहेली मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ठंडे दिमाग से सोचा जी, एक मिनट, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा, एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में, दैट्स राइट, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, तो मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी। एग्जैक्टली, दैट्स क्रेजी। काम था क्या? हाँ समीडी और फीजर, नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे। अच्छा वैसे प्रिंसिपल सर कहाँ पे? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक सीधा बॉस को देने जा रहा है पैसे। बड़े काम चोर है। क्या बोला? क्या बोला? ने अभी क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। भाई बड़ा मुंहफट है तू, जस्ट लाइक मी। ठीक है कुछ भी बोल देता हूँ मैं। द साइलेंस इज टू लाउड। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर। एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, सर सर के कान में बाल मैंने अभी देखे। क्या हो गया? अरे बच्चा फीस दे रहे हैं। मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ बिकॉज उसकी सड़ी हुई शक्ल में रोज सुबह असेंबली में देखता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता बिकॉज मैं भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खड़ा रहता हूँ। सो ही डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। वाओ, एंड इस चीज का मुझे पता चला था जब मैं नए स्कूल में गया था 8th के बाद कि प्रिंसिपल तुम्हें ना जाने। ऐसा भी हो सकता है भिक्षु, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था अरे प्रिंसिपल भाई स्कूल का बंदा बंदा जानता है हमें। बट यस, जब मैं ज्यादा आबादी वाले स्कूल में, ज्यादा पॉपुलेटेड स्कूल में गया, तब पता चला नहीं, यहाँ पे तो टीचरों को भी नाम नहीं याद हो रहे। एक साल टीचरों को नाम याद करने पे लग जाता था भाई, 6-6 सेक्शन है एक क्लास के, कैसे नाम हो याद होएगा? टीचरों की भी क्या गलती इसमें, सही बात है। एंड नाउ अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक 8 साल का बच्चा रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल के मोस्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के, आई मीन कम ऑन, वो 8 साल का है प्रिंसिपल सर, कम ऑन, ठीक है भाई ले लो टॉफी दे दो उल्टा उसे, खुश हो जाएगा वो, के सामने पैसे दे रहा है जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे पैसे, ऐसा नहीं है। नाउ आई रियलाइज हाउ एंबैरेसिंग मस्ट हैव बीन फॉर हिम, सो आई गेस आई डिजर्व इट। क्या स्लैप? ओह नो, दिस इज टू बैड भाई। मेरे को लगा ऐसा तो वो बोल देंगे कि बेटा आपको पता नहीं है सबमिट कहाँ करना होता है, बाहर काउंटर भी लगा है, सबमिट योर फीस हियर, वहां जाके करो, कम ऑन जाओ अले अले। ये तो रट्टे मारने लग गए भाई। भाई सर ना 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 ना, आपको हमसे सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं करते हैं यार। तो हर माँ बाप ने यही सिखाया, हम इधर राशन का दुकान खुल के बैठा है हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है, Who the hell you think you are, हाँ? गोड़ी और क्लास। अच्छा गोड़ी और क्लास, पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ इट्स लाइक अ फाइनल चिल्ड्रन। अच्छा वही भाई है, कैसी लगी? नाइस
भाई लग गई उसे, दिख नहीं रहा तेरे को, सच्ची में लगी बहुत स्वाद आ गया। नहीं 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 नहीं, ये कॉपीराइट क्लेम देगा, मैं नहीं बजा रही। एंड या विद दैट दिस क्रेजी वीडियो कम्स टू एन एंड। एंड या मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा, ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।